धर्म में हम में से कई लोग परंपरा के अनुसार उपवास या फास्टिंग करते हैं सदियों पुरानी इस वैदिक परंपरा के कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ हैं उपवास शब्द में उप का अर्थ है ऊपरी और वास का अर्थ है रहना उपवास हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमें ईश्वर के निकट लाता है कभी भरे पेट के साथ ध्यान किया है आपको बहुत नींद आएगी उपवास शरीर को हल्का रखता है और ध्यान में मदद करता है ये बलिदान और भक्ति का कार्य भी है क्योंकि हम भगवान के लिए भोजन त्यागते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एकादशी का व्रत व्यक्ति की लंबी आयु सुनिश्चित करता है और मन का शुद्धिकरण करता है इतना ही नहीं आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में समय के साथ टॉक्सिक पदार्थ जमा होते हैं तो उपवास डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है और शरीर को शुद्ध करता है मॉडर्न रिसर्च के अनुसार फास्टिंग या इंटरमीटेंट फास्टिंग से ऑटोफजी होती है, का अर्थ है शरीर स्वयं अपने भीतर के अनावश्यक पदार्थ का नाश करके पूरे सिस्टम को क्लीन करता है उपवास मन को नियंत्रित करने और दिनचर्या को अनुशासित करने में भी मदद करता है उपवास कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ब्रेन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और हाँ उपवास अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है आखिर एक भूखा व्यक्ति जो अपनी पसंद का भोजन ना करे उससे ज्यादा विल पावर किसकी हो सकती है